Sharanagati,
अखर शाश्वत सिमरत प्रण अखर शास्त्र सिमरत प्रण अखर नाद कथन खेरना संग्रह मन लगे ता शब्द बनता
करारा बब्बा मिलके रब बन गए। कक्का रारा मम्मा मिल गए कर्म बन के शब्द दद्दा रारा मम्मा मिल बैठे धर्म बन गए। तीजे भला ये वक् वक् हो जान ता इन्हां दी अपनी होंद है टूट जान आपस विच जुड़ के ना बैठन होंद है ऐसी गल नहीं तद होंद है पर अर्थ कोई नहीं भावना कोई नहीं इन्दे भी तो भाव खत्म हो गए ने इन्दे भी तो बोली दे आसार खत्म हो गए ने बोल बनाने ले इन्दे जुड़ बैठना जरूरी है। बहुत देर कोई मैं एक बार की किसी कोई बोल भी नहीं पढ़ता जिन्नी देर दो अक्षर कटो कट ना मिलना से कम अखर नु किसे सिहारी बिहारी के साथ दे लो एक अल्लाह अखर को देने केवल अनिशन है अनिशन तौर पे आप कोई कम किसे को ले लिए उस निश्चित करके के ऐस अखर तो सी आ भाव कढ़ना है या अंदर आ भाव बनता है या बन सकता है ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬਣਾਈ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੀ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬੋਲਣ ਕਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਕਾ ਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਲਮ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੱਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੰਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ
रूप धारण कर लिया। मनुखता विच समाज विच बोलन ने भाषा लफज लिया, लैंग्वेज लफज लिया, ते अखरन ने लिपि लफज लिया। आपसी साल कायम रखे, दोवां दा संबंध जुड़िया रहा। बस इसे संबंध विचों ही सारियां दे नाम बोलन तो बाद लिखे गए। नाम रखना होर गल है, नाम लिखना होर गल है। कई बार खास करके दूजियां लिपियां भी तो मैं देखना, नाम रखन तो बाद फिर निश्चित कीता जांदा है इस नाम नू केड़े अक्षरां नाल लिखिया जाए, क्योंकि उत्थे वक्त-वक्त जो इंग्लिश विच किवें लिखिया जाए, केड़ा केड़ा अक्षर पाया जाए, केंदा उचारण भी बनिया रहे ते वखरापन भी बने रहे। इसलिए इन्हों का संबंध की गुरु ने भी बाणी विच आखदे ने, लगे अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा। जिन्ना कुछ भी बनिया वह आधारित शब्दावली ते सी, शब्दावली विच अखर सन, अखरां ने फिर मुड़ के लिखण का रूप धारण किया, इसलिए रूपमान हो गया। अखरी नाम इना होंगे कि वेद शास्त्र भी ना होंगे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर मैं तेरे पावन प्रबधारे, बाणी अंदर केड़ी गहराई है। ओ मसले, ओ सवाल खड़े किए गए ने, ओ टॉपिक ने जेड़े मन हैरान हो जाता। कोई साधारण बिरती वाला, आम कविता रचने वाला, कोई काव्य रचने वाला तो बंदी करने वाला है नहीं है। गहराइया में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ही निर्णय कर अखर मैं तेरे भवन प्रबधारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, जो कुछ भी पढ़े है कुछ भी ना होगा जी अखर नो अखर नहीं बोल बने उन्हें बोलने लिखने वास्ते फिर लिपि बने ताई वेद शास्त्र होने चाहिए। अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन विख्यान, जो नाद भी असि गाने उदो भी सानू कोई अखर का सहारा उचारण का सहारा लेना पड़ता, सहारा लेना संगीत की दुनिया में। हालांकि उत्थे शब्दावली का लफज ने सिर्फ नाद का लफज लफज नाद आया तद में उत्थे जो आलाप का परिभाषा देंगे उ कहें आकार ईकार ऊकार तीन उचार आलाप संगीत किताबों में आ कह के उच्चारण करना आलाप करना, ई कह के आलाप करना, ऊ कह के आलाप करना, यह तिना उचारणा तो आलाप ने संगीत किताबों में आकार ईकार ऊकार। भले इन्हें भी अखर ने जो आकार होगा आड़ा कम देगा, जो ईकार होगा ईड़ी कम देगा, आरंभ होगा जो ऊकार होगा ऊड़ा कम देगा, अखर तो आ गए ना। इसलिए गुरु ने कि गहराई में जाके नाद नाल भी अखर जोड़ लिया, गुरबाणी की गहराई। कह लगे अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद लफज की नाद आवाज,
अखर नाद कथन बुख्याना अखर मुकत जुगत पह परमा अखर कर्म किरत सोच धर्मा अगले पास एक सवाल खड़ा कर देता जरा सम सोचन ले मैं दूर कर दे कहने लगे जो तो सारा कुछ ही बोल भी अखरां दे मुताबिक ने नाम भी अखरां दे मुताबिक किसी चीज दा वस्तु दा नाम ना रखा जा कोई चीज ऐसी नहीं बनदी जिंदा नाम ना रखा जा पर आज दा प्रोडक्शन करन वाला कोई इंडस्ट्री वाला कोई नवी मशीनरी ओदा नाम तो जरूर रखदा है नाम ना रखे तो तारीफ में पैदा हो ओ भी के ਉਹਦੀ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੰਦਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਲਿਆ दृष्ट मार दृष्ट मार अखर है जेता जिन्ना दिसन वाला अखर है जिन्नु लिखया जा सकता है पारब्रह्म परमेश्वर रब तो उनके घेरे विच नहीं होता दृष्टमान अखर है जेता जड़ा अखर लिखया जा सकता है जड़ा अखर कागज ते लिख के किताब दे रूप विच बुक दे रूप विच संभालिया जा सकता है रब उन्दे के रूप च नहीं आ मन ते चला जांदा की कारण है कोई ऐसा अखर जो दिसे ना
लोही का जवाब बड़ा खूबसूरत दिता गुरबाणी अंदर गुरु कहने लगे अकाल पुरख जो हाथ में भी कलम है भी हाथ में कलम है तो मस्तक के लेख प्या लिखता है मथे च हाथ फेर के बखे रोज अस इनान करने रोज साबण ना अखर मिटते ने ना अखर सारे कोई पढ़े जाने किताब लिखण वाला उनके मथे ते वो प्रभु कुछ लिख रहा है उनके जीवन की सारी शैली जीवन की सारी कहानी उनके मथे ते गया लिखना पर केड़ी अजीब घटना है ना लिखण वाला दिस रहा है ना कलम दिस रही है ना स्याही दिख रही है ना अखर दिस रहे हैं जो दृष्ट माल हो गई फिर तो रब भी ना रहे वो कलम भी ना रहे कैसा सवाल रहा सारे को मैं तेरे उस्ताद की करा कहने लगे मैं तेरे उपमा की करा क्यों क्योंकि मैं तेनू देख के तेरे तो कुर्बाना फिर मसला है जे तू दिसदा तेरी कलम नहीं दिखती तेरे अखर नहीं दिसदे कि तेरा दर्शन किवे करें इसलिए कहता तेनू वेखण वालियां अखां भी आ नहीं वो भी नहीं दिसदियां कहण लगे लोइन सुरत करे लोइन सुरत करे ये अखां नाल नहीं नानक से अखड़ियां बयान जिन्हें दिसंदमा भरी कह लगे तेरे अखर नहीं दिसदे तेरी कलम नहीं दिसदी तू लेख लिख रहे हैं किताबा मेरे को मथे दे लेख मेरे को पढ़े नहीं जाते तू नहीं दिसदा लिखारी नहीं दिसदा कोई एक ऐसी लेखनी भी है कोई एक ऐसी कलम भी है जेडी दिसण दे मोहताज ने इसका जवाब दिता कह लगे लिखण वाला है तू इस किस्म का लिखण वाला लिखारी है तेरी कलम भी नहीं दिसदी तेरी लिखत भी नहीं दिसदी क्योंकि जे लिखण वाला दिस पवे उंदी लिखत दिस पवे ते फिर आ तो आ लाइन सकारत नहीं रहती
ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਸਿਆਹੀ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਉਸ ਲਿਖਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਵੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ